Hello, hi everyone. Welcome back to our channel. Today we are going to check out a conversation by Asing titled "Monday Go Stock Market Mein Bada Bhugamp Hoga." Rupees 2000 Note Ban. Let's jump to it. हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसिंक और मैं हूं आपका दोस्त भारत शंकर। वीडियो शुरू करने से पहले ही बता दूं, अगर कोई चैनल पे नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, वीडियो को लाइक कर सकता है और अगर आप चाहे तो आप बेल नोटिफिकेशन भी दबा सकते हैं। सो आई होप अभी तक आपने ये जो 2000 रुपीस के रिलेटेड जो ब्रेकिंग न्यूज़ आया है उसके बारे में आप जानते ही होंगे। और ये न्यूज़ आते ही मैं देख रहा था बहुत सारे इन्वेस्टर्स कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे थे कि मंडे को स्टॉक मार्केट डूब जाएगा, मंडे को मार्केट क्रैश हो जाएगा, मार्केट बर्बाद हो जाएगा, ये वो वगैरह वगैरह। क्या अभी हमें मार्केट से एग्जिट करना चाहिए या मार्केट में इन्वेस्टेड रहना चाहिए, ऐसे कई सारे सवाल बहुत सारे इन्वेस्टर्स कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे। और यहाँ पर इन्वेस्टर्स का डर भी ऑब्वियस है, क्योंकि जब 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो उसके बाद नेक्स्ट सेशन में स्टॉक मार्केट अप टू 6% क्रैश हो गया था, वो भी एक ही दिन में। जिसकी वजह से ऑब्वियस ही बात है, अगर किसी इन्वेस्टर ने 2016 का ये जो मार्केट क्रैश हुआ था नोटबंदी की वजह से अगर उसको एक्सपीरियंस किया होगा तो ऑब्वियस ही बात है अगर आज के टाइम में अगर वो 2000 रुपीस के नोट्स के रिलेटेड कुछ न्यूज सुनेगा तो उस 2016 के पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आज भी उसे वही लगेगा कि मे बी मार्केट क्रैश होने वाला है या मार्केट में बहुत बड़ा गिरावट होने वाला है। तो इसलिए आज की वीडियो में हमें जानने की कोशिश करेंगे कि अभी गवर्नमेंट और RBI का डिसीजन आया है 2000 रुपीज नोट्स के रिलेटेड, उसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या होगा और इन जनरल वो कौन से सेक्टर्स होंगे जिनके ऊपर इस फैसले का बुरा इफेक्ट पड़ सकता है और वही वो कौन से सेक्टर्स होंगे जिनके ऊपर इस फैसले का अच्छा इंपैक्ट पड़ सकता है। लेकिन सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि RBI ने यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एग्जैक्टली इन 2000 रुपए के नोट्स के साथ किया क्या है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 19 मई को ये अनाउंस किया है कि वो 2000 रुपीज के नोट्स को सर्कुलेशन से निकालने वाला है, यानी आज के बाद ना RBI 2000 रुपए के नोट्स को प्रिंट करेगा ना ही उन्हें इशू करेगा। और जो भी 2000 रुपए के नोट्स बैंक्स में डिपॉजिट किए जाएंगे उन 2000 रुपए के नोट्स को RBI ले लेगा और उसके बदले में उन्हें 100 रुपए या 500 रुपए के नोट्स दे देगा और इन 2000 रुपए के नोट्स को RBI डिस्ट्रॉय कर देगा। तो अभी क्या इसका मतलब यह है कि RBI ने 2000 रुपए के नोट्स को बैन कर दिया है? बिल्कुल भी नहीं। अभी भी ये जो 2000 रुपए के नोट्स है वो लीगल टेंडर है, यानी अभी भी आप इन 2000 रुपए के नोट्स को शॉपिंग वगैरह हर चीज के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो 2016 में हुआ था वो नोट बंदी था। अभी जो 2000 रुपए के नोट्स के केस में हुआ है वो नोट बंदी नहीं है, यहाँ पर RBI धीरे धीरे इन नोट्स को सर्कुलेशन से निकालना चाहता है और जब तक ये सर्कुलेशन से निकल नहीं जाते तब तक 2000 रुपए के नोट्स जो है वो लीगल टेंडर रहेंगे। तो ऑब्वियस ही बात है अगर RBI इन 2000 रुपए के नोट्स को सर्कुलेशन से निकालना चाहता है तो यहाँ पर इन नोट्स को एक्सचेंज करने के लिए प्रोविजन भी होना चाहिए और ये नोट्स तब तक एक्सचेंज हो सकते हैं उसके ऊपर डेडलाइन भी होना चाहिए। तो अभी RBI के अकॉर्डिंग ये जो 2000 रुपए के नोट्स है इन्हें आप May 23, 2023 से एक्सचेंज करना शुरू कर सकते हैं, जहाँ पर RBI बोलता है इन नोट्स को एक्सचेंज करने का सबसे बढ़िया तरीका होगा कि आप इन 2000 रुपए के नोट्स को अपने बैंक अकाउंट में ही डिपॉजिट करवा दें। लेकिन वही अगर मान लीजिए किसी को 2000 रुपए के कैश के बदले 500 या 100 रुपीस का कैश ही चाहिए तो वो क्या कर सकता है, वो 23 मई के बाद किसी भी बैंक में जा सकता है और इन 2000 रुपए के नोट्स को 100 रुपए और 500 रुपए के नोट्स के साथ एक्सचेंज कर सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर कितना एक्सचेंज किया जा सकता है उसके ऊपर हर दिन 20,000 रुपीस का लिमिट है, यानी आप एक दिन में 10-2000 रुपए के नोट्स ही एक्सचेंज कर पाएंगे। एंड फाइनली RBI इस पूरे एक्सचेंज के ऊपर डेडलाइन भी प्रोवाइड करता है और RBI ये बोलता है कि 30th सितंबर 2023 तक आपको अपने सारे 2000 रुपए के नोट्स एक्सचेंज करवा लेने चाहिए, यानी आपके पास 30th सितंबर 2023 तक का टाइम है और इसी टाइम पीरियड के अंदर आपको अपने सारे 2000 रुपए के नोट्स एक्सचेंज करवा लेने चाहिए। अभी इसके बाद आपके माइंड में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर RBI ने ऐसा क्यों किया और RBI 2000 रुपए के नोट्स को सर्कुलेशन से क्यों निकालना चाहता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना है कि डीमोनेटाइजेशन का पर्पस क्या है, ब्लैक मनी को इकोनॉमी से बाहर निकालना, नकली नोट्स को इकोनॉमी से बाहर निकालना और फाइनली ब्लैक मनी को स्टोर करना और नकली नोट्स को प्रिंट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल बनाना, ये सारे पर्पसेस होते हैं डीमोनेटाइजेशन। और जनरली जब भी डीमोनेटाइजेशन होता है तो वहाँ पर ये जो हायर वैल्यू नोट्स होते हैं, जो बड़े अमाउंट के नोट्स होते हैं, उन्हें छोटे अमाउंट्स के नोट्स के साथ रिप्लेस किया जाता है, यानी अगर पहले 100 रुपए के नोट्स थे तो अभी 100 रुपए के नोट्स को बैन कर दिया जाता है और उसके बदले 10 रुपए के नोट्स को सर्कुलेशन में लाया जाता है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ब्लैक मनी को स्टोर करना फिजिकल फॉर्म में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन जब 2016 में डीमोनेटाइजेशन किया गया तो उस टाइम गवर्नमेंट के इंटेंशंस तो बहुत ही नेक थे लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही खराब था। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ या किसी के अगेंस्ट भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ एज अ कॉमन सिटीजन मैंने जो प्रॉब्लम्स फेस किए और मैंने बाकी लोगों को देखा जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं उसके बेसिस पे मुझे ये लगा कि डीमोनेटाइजेशन करने का जो इंटेंशन था गवर्नमेंट का वो बहुत ही नेक था लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअल में और भी बेटर हो सकता था।
क्योंकि डीमोनेटाइजेशन से पहले अगर किसी को 1,00,000 रुपए ब्लैक मनी रखना था तो वो क्या करता, वो 1,000 रुपए के 100 नोट्स को अपने बेड के नीचे छुपा देता, नहीं तो किसी गोडाउन में छुपा देता। लेकिन वही डीमोनेटाइजेशन होने के बाद जब 2,000 रुपए के नोट्स आए, तब 1,00,000 रुपए ब्लैक मनी छुपाने के लिए पहले के कंपैरिजन में अभी उसको सिर्फ आधा स्पेस या जगह की जरूरत थी। क्योंकि पहले जहां पर 100 नोट्स फिजिकली स्टोर करना पड़ता, अभी यहां पर 2000 रुपए के सिर्फ 50 नोट्स को फिजिकली स्टोर करना पड़ता। यानी पहले जिस जगह में ब्लैक मनी स्टोर किया जा सकता था, अभी उसी जगह में उसे डबल ब्लैक मनी स्टोर करने का कैपेसिटी बन गया था, जिसकी वजह से डीमोनेटाइजेशन होने के बाद पहले के कंपैरिजन में ब्लैक मनी को स्टोर करना और भी आसान हो गया था। तो इसके बाद भी RBI ने ऐसा क्यों किया, RBI ने 2000 रुपए के नोट्स क्यों निकाले? तो इसका जवाब अगर आप देखेंगे तो नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद RBI ने 2000 रुपीस के नोट्स निकाले, क्योंकि सडनली ओवरनाइट 1,000 और 500 रुपए के नोट्स बैन होने की वजह से इकोनॉमी में कैश क्रंच या लिक्विडिटी क्रंच आ गया था। और इस लिक्विडिटी क्रंच को मीट करने के लिए RBI को फोर्सफुली 2,000 रुपए के नोट्स प्रिंट करने पड़े और इकोनॉमी में छोड़ना पड़ा। और जब इकोनॉमी में लिक्विडिटी नॉर्मलाइज हुआ तो उसके बाद 2018 और 19 में RBI ने 2000 रुपए के नोट्स प्रिंट करना बंद कर दिए। और उसके बाद RBI धीरे धीरे इन 2000 रुपीस के नोट्स को सर्कुलेशन से निकाल रहा था। और प्रेजेंटली RBI ये बोलता है कि मार्च 31, 2023 तक जो भी 2000 रुपए के नोट्स RBI ने इशू किए थे, उनमें से अभी सिर्फ 10.8% ऑफ द नोट्स ही सर्कुलेशन में है। और अभी RBI को ये शक है कि अभी ये जो 10.8% ऑफ द नोट्स है, इनमें से बहुत नोट्स ब्लैक मनी के रूप में कुछ टैक्स इवेडर्स और बदमाशों ने स्टोर करके रखा होगा, और इसीलिए अभी ये जो सारा पैसा धीरे धीरे बैंक्स में एक्सचेंज होने के लिए आएगा, तो उस टाइम उन्हें सारा अकाउंट और हिसाब मिल जाना चाहिए। एंड ऑब्वियसली वर्स्ट केस में क्या होगा, अगर कोई बैंक में अपने ब्लैक मनी को एक्सचेंज करने के लिए रिस्क नहीं करेगा तो वो नोट्स उसके पास ही रह जाएंगे, और उसके बाद सितंबर 30th 2023 के बाद वो सारे नोट्स डमी बन जाएंगे। तो अभी इन्हीं इंटेंशंस की वजह से RBI ने ये बहुत बड़ा कदम लिया है, जहां पर वो 2000 नोट्स को सिस्टमैटिकली सर्कुलेशन से निकालने वाला है। एंड ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से जब 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो उस टाइम भी इसी तरीके का कोई सिस्टमैटिक तरीका फॉलो करना चाहिए था गवर्नमेंट को, जिसकी वजह से मे बी जो डीमोनेटाइजेशन का इंप्लीमेंटेशन हुआ था वो और भी बेहतर तरीके से हो सकता था। एंड ऑफ कोर्स इसके बारे में आपका राय क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अभी इसके बाद हमारे मेन मुद्दे पे आते हैं, और वो मुद्दा ये है कि अभी ये जो 2000 रुपए के रिलेटेड RBI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डिसीजन लिया है, उसका इम्पैक्ट हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या पड़ सकता है, और वो कौन से सेक्टर्स होंगे जिन्हें इससे फायदा हो सकता है, और वो कौन से सेक्टर्स होंगे जिन्हें इससे नुकसान हो सकता है, अभी उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि अभी हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था, 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो उस टाइम स्टॉक मार्केट 6% से भी ज्यादा एक ही दिन में गिर गया था। और अभी उसी डर के वजह से ही बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मे बी मंडे को हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट फिर से क्रैश होने का पॉसिबिलिटी रहता है। तो अभी इस सिचुएशन को समझने के लिए मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूंगा। तो 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो उस टाइम अगर आपको याद होगा तो आपने कितने ट्रांजैक्शंस के लिए, हर दिन जो भी आप ट्रांजैक्शन करते थे उसके लिए आप कितने 500 रुपीस और 1000 रुपीस के नोट्स इस्तेमाल करते थे। और अगर आप मेरी बात करें तो ऑलमोस्ट मैं हर ट्रांजैक्शंस में 500, 1000 ये जो कैश ट्रांजैक्शन होता था उसी को करता था। और जब डीमोनेटाइजेशन हुआ या नोटबंदी हुआ, तो उसके बाद किराने की दुकान से लेकर के शॉपिंग मॉल तक हर जगह मुझे डिफिकल्टी फेस करना पड़ा था, क्योंकि कोई भी 500 और 100 रुपीस के नोट्स एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था, जिसकी वजह से एक्चुअल में बिजनेसेस के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा था। और उसी इंपैक्ट को आपने नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी देखा होगा, जब बहुत सारे कंपनीज के सेल्स और प्रॉफिट्स कम हो गए थे। लेकिन अभी अगर आप 2023 की बात करें, तो अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने 2000 रुपीस का नोट लास्ट टाइम कब इस्तेमाल किया। मुझे तो याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम मैंने 2000 रुपीस के नोट को कब इस्तेमाल किया था। और अगर आप देखेंगे तो ATM से भी 2000 रुपीस के नोट्स आने बंद हो गए थे। और उसके बाद अभी 2023 में मेरे जो 99% ऑफ द ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सारे UPI ट्रांजैक्शंस होते हैं। चाहे मैं किराने की दुकान पे दूध खरीदूं या शॉपिंग मॉल में टी शर्ट खरीदूं, हर एक का पेमेंट UPI से हो जाता है। गूगल पे, पेटीएम या फोन पे जैसे ऐप्स आज के टाइम में हैंडी है, क्योंकि हर एक के पास मोबाइल फोन है और मोबाइल फोन में हाई स्पीड इंटरनेट है। लेकिन वही अगर आप 2016 की बात करें, उस टाइम आपको याद होगा बहुत सारे लोगों के पास स्मार्टफोन्स नहीं थे, और बहुत सारे लोगों ने पेटीएम, गूगल पे, UPI जैसे ट्रांजैक्शन ऐप्स के बारे में सुना भी नहीं था। जब नोटबंदी हुआ तभी बहुत सारे लोगों ने इन ऐप्स को इंस्टॉल किया, और उसी टाइम में पेटीएम ने भी सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखा था। और इसी रीज़न की वजह से जो 2016 में नोटबंदी की वजह से कंपनीज के ऊपर जो फंडामेंटल इम्पैक्ट पड़ा था, जिसकी वजह से उनका सेल्स इम्पैक्ट हुआ था, प्रॉफिट इम्पैक्ट हुआ था, आई डोंट थिंक सो अभी ऐसा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट 2000 रुपीस के नोट्स को सर्कुलेशन से हटाने की वजह से होना चाहिए। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था, लास्ट टाइम मैंने 2000 रुपए का नोट कब इस्तेमाल किया था वो भी मुझे याद नहीं है, और जो भी चीज़ मैं खरीदता हूँ उसके लिए मैं UPI से पेमेंट करता हूँ।
जिसकी वजह से आई डोंट थिंक सो कंपनीज के सेल्स के ऊपर और प्रॉफिट्स के ऊपर किसी भी तरीके का इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। एंड आई बिलीव अभी ये जो 2000 रुपए के नोट्स के रिलेटेड जो अनाउंसमेंट हुआ है उसकी वजह से बायर्स और सेलर्स के बीच में जो बिजनेस होता है उसमें किसी भी तरीके का इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, जिसकी वजह से ऑब्वियस ही बात है 2016 में जिस तरीके का इम्पैक्ट इकोनॉमी के अंदर बिल्ड हो रहा था और जो फाइनली स्टॉक मार्केट पे भी रिफ्लेक्ट हुआ था, आई डोंट थिंक सो उस तरीके का फंडामेंटल इम्पैक्ट अभी स्टॉक मार्केट के ऊपर पड़ना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 2016 में नोट बैन हुआ था, नोट बंदी हुआ था, जहां पर 500 और 1000 रुपीज के नोट्स अनाउंसमेंट के बाद से ही लीगल टेंडर नहीं थे, उनको इस्तेमाल करके आप शॉपिंग नहीं कर सकते थे या उनको आप कहीं पर भी स्पेंड नहीं कर सकते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखें तो अभी भी 2000 रुपीस का जो नोट है वो एक लीगल टेंडर है, जिसकी वजह से अभी भी अगर आप 2000 रुपीस के नोट को स्पेंडिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं यू शुड बी एबल टू डू इट विदाउट एनी प्रॉब्लम, जिसकी वजह से मुझे पर्सनली लगता है कि किसी भी तरीके का इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर पड़ना नहीं चाहिए। और उसके अलावा जब 2016 में मार्केट एक ही दिन में 6% क्रैश हुआ था तो उस क्रैश के पीछे सिर्फ अकेला डीमोनेटाइजेशन का कंट्रीब्यूशन नहीं था, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उस टाइम पीरियड में यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस भी हो रहे थे, जहां पर 8 नवंबर 2016 इस तारीख पे डीमोनेटाइजेशन भी हुआ था और उसके साथ साथ इसी तारीख पे यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस भी हो रहे थे। और उस टाइम आपको याद होगा यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में बहुत ज्यादा प्रेशर था, क्योंकि एक तरफ थे डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ थे हिलरी क्लिंटन, और इस अनसर्टेनिटी की वजह से जो सारे ग्लोबल मार्केट्स थे वो ट्रिमेंडस प्रेशर के अंडर थे और वही प्रेशर इंडियन मार्केट भी झेल रहा था, और इन्हीं सारे कलेक्टिव रीजंस की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट अगले ट्रेडिंग सेशन में 6% क्रैश हो गया था। एंड ऑफ कोर्स अगर आप इन जनरल डीमोनेटाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो वहां पर कुछ ऐसे पर्टिकुलर सेक्टर्स होंगे जिन्हें इससे फायदा मिलता है, जैसे कि अगर आप देखें तो डीमोनेटाइजेशन का सबसे बड़ा फायदा बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज को होता है, और अभी ये जो 2000 रुपए के नोट्स को सर्कुलेशन से निकाला जा रहा है उसका भी एक बहुत बड़ा फायदा मोस्ट प्रॉब्ली बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज को मिल सकता है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि अभी ये जो बहुत सारा कैश है उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा बैंक्स में जाके डिपॉजिट होगा, जिससे बैंक्स को चीपर कैपिटल मिलेगा जिसको वो लोन के रूप में देके ज्यादा प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। और उसके बाद दूसरा एडवांटेज इन कंपनीज को ये मिलता है कि नोट्स के रिलेटेड जो भी एक्शंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई ने लिया है उसकी वजह से लोगों के दिलों में कैश रखने के लिए एक डर बैठ जाता है, जिसकी वजह से फ्यूचर में भी बहुत सारे लोग अपने पैसों को कैश के रूप में नहीं बल्कि बैंक में रखना प्रेफर करेंगे, क्योंकि उन्हें भी डर होता है कि टैक्स बचाने के चक्कर में कहीं पूरा पैसा ना गंवा दें, क्योंकि अगर अभी 2000 रुपए के नोट्स को सर्कुलेशन से निकाला जा रहा है तो फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि पुराने नोट्स जो है वो 500 रुपीस के नोट्स है उन्हें भी सर्कुलेशन से निकाला जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए अभी लोग क्या करेंगे वो ज्यादा से ज्यादा पैसा बैंक्स में और फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज में रखना प्रेफर करेंगे, जिससे इन कंपनीज को लॉन्ग टर्म में और नियर टर्म में बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। और उसके बाद अगर आप डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस कंपनीज की बात करें, ई कॉमर्स कंपनीज की बात करें या उन कंपनीज की बात करें जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी कंपनीज है, उन्हें भी इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि जो कंपनीज या जो लोग पहले कुछ बचे-बचे ट्रांजैक्शंस कैश से करते थे अभी वो सारे ट्रांजैक्शंस डिजिटल मीडियम से करने लगे, और इसीलिए ऐसे सॉल्यूशंस को जो कंपनीज बनाते हैं या जो कंपनीज उसको फैसिलिटेट करते हैं या उसको इस्तेमाल करने के लिए इजी बनाते हैं उन सारे कंपनीज को यहाँ पर फायदा होने का पॉसिबिलिटी होता है। और आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, आप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में एक कंपनी, डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस में एक कंपनी, ई कॉमर्स में एक कंपनी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी सेक्टर में एक कंपनी को पिक कीजिए और उनको कमेंट सेक्शन में लिखिए, और ध्यान में रखिए ये सारे कंपनीज फंडामेंटली स्ट्रांग होने चाहिए और इनका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट ब्राइट होना चाहिए। और उसके बाद अगर आप कुछ ऐसे सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिन पे डीमोनेटाइजेशन या नोट्स के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया जाता है या रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, तो ऐसे सेक्टर्स हो सकते हैं वो सेक्टर्स जो इनफॉर्मल होते हैं या कैश डिपेंडेंट होते हैं। और जब भी आप कैश डिपेंडेंट सेक्टर्स की बात करते हैं तो वहां पर सबसे पहला नाम आता है रियल एस्टेट का, क्योंकि रियल एस्टेट में तो ब्लैक मनी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ये बात ऑलमोस्ट सबको पता होगा। और उसके साथ साथ अगर आप लग्जरी गुड्स एंड हाई एंड रिटेल सेक्टर के बारे में बात करें तो वो भी इसे इंपैक्टेड हो सकता है, क्योंकि ऐसे सेक्टर्स जो हाई वैल्यू सामान बेचते हैं वहां पर भी बहुत लोग कैश ट्रांजैक्शंस करते हैं टैक्सेस बचाने के लिए। और उसके बाद अगर आप कुछ बहुत ही स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करें जिन्होंने अभी तक डिजिटल ट्रांजैक्शन या पेमेंट सिस्टम में अडॉप्ट नहीं किया है, तो यहाँ पर नोट बैन की वजह से या नोट बंदी की वजह से उनके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ सकता है। एंड फाइनली जो एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी है उसके ऊपर भी सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ने का चांसेस होता है, क्योंकि अभी भी जो रूरल और एग्रीकल्चर इकोनॉमी है और उसका जो सप्लाई चेन है वहाँ पर अभी भी वो बहुत हद तक कैश डिपेंडेंट है। लेकिन अभी जो 2000 रुपीस का सिनेरियो है वहाँ पर एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट पड़ने का चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कुछ टाइम पहले पूछा था कि 2000 रुपए के नोट आपने कब लास्ट टाइम इस्तेमाल किया,
जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी है उसका भी डिपेंडेंसी आई डोंट थिंक सो 2000 रुपए के नोट्स पे उतना ज़्यादा था। तो उसके बाद फाइनली अगर आप कंक्लूजन की बात करें तो आई डोंट थिंक सो अभी 2000 रुपए के नोट्स के ऊपर अभी ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा रहा है और इसे सिस्टमैटिकली सर्कुलेशन से निकाला जा रहा है उसका कोई मेजर इंपैक्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर हो उसका चांसेस बहुत ही कम है। बट ऑब्वियसली आपको ये पता ही होगा कि स्टॉक मार्केट को एक रीजन चाहिए ऊपर जाने के लिए और नीचे गिरने के लिए। मे बी अभी ये जो सेंटिमेंट बेस्ड इंपैक्ट है वो डेफिनेटली मे बी मंडे को थोड़ा हो सकता है जहां पर स्टॉक मार्केट 1% 2% है 3% है उससे ज्यादा भी ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन अगर आप फंडामेंटल इंपैक्ट की बात करें जिसमें ओवरऑल प्रॉफिट या सेल्स के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है उसका चांसेस जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है। एंड ऑब्वियसली अगर सेंटिमेंटल बेस्ड इंपैक्ट पड़ता भी है तो इसे मार्केट खत्म नहीं हो जाएगा। हमने तो ऑलरेडी 2016 में जो हाथी जैसा इंपैक्ट हुआ था प्रॉपर नोटबंदी या डीमोनेटाइजेशन की वजह से उसको भी हमने झेला है और उसके बाद हमने COVID-19 का पैंडेमिक भी देखा है जिसका इंपैक्ट डीमोनेटाइजेशन के कंपैरिजन में मे बी 1000 गुना ज्यादा होगा। हमने उसको भी झेला है और ये सब कुछ झेलने के बाद भी अभी अगर आप देखेंगे तो मार्केट 2016 में कहाँ था और अभी मार्केट 2023 में कहाँ है। और प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखेंगे तो इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और शॉर्ट टर्म में जो भी इंपैक्ट पड़ेगा उसको हमारा इकोनॉमी आसानी से एब्जॉर्ब कर पाएगा और लॉन्ग टर्म में हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो आज के टाइम में जहाँ पर है उससे कहीं ज़्यादा ऊपर है। सिंपल वर्ड्स में अगर आपको इंडियन इकोनॉमी के लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स के ऊपर भरोसा है और अगर आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और अच्छे कंपनीज में इन्वेस्ट करके रखा है आप बिना चिंता के लॉन्ग टर्म के लिए अपने स्टॉक्स के ऊपर और अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर आराम से बैठे रहिए। और अगर कोई डे ट्रेडर है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो वो ऐसे शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी का मजा लीजिए, शॉर्ट पोजीशंस लीजिए और शॉर्ट टर्म में पैसे कमाइए। लेकिन याद में रखिए मार्केट में कभी भी पैनिक नहीं होता क्योंकि ऐसे जो छोटे मोटे इंपैक्ट है उसकी वजह से स्टॉक मार्केट खत्म नहीं होता ऐसे पता है। और अगर मंडे को अगर कुछ सेंटिमेंटल बेस्ड इंपैक्ट होगा भी तो उसे मार्केट आसानी से बहुत जल्द रिकवर भी कर पाएगा। तो ये था आज का वीडियो एंड आई होप आज का वीडियो